सनसनी ऑफ इंडिया। चोरों ने एक बंद घर से कीमती ज्वेलरी व होंडा सिटी कार पर हाथ साफ किया, लेकिन ज्वेलरी चोरी करते समय अपने फिंगरप्रिंट छोड़ गए। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने फिंगरप्रिंट की मदद से ब्लाइंड चोरी के मामले को सुलझाते हुए दो चोरों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान इमरान उर्फ मीम व जावेद उर्फ शोएब के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी की एक होंडा सिटी कार, सोने के गहने व एक नकली नंबर प्लेट बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि दिनांक 23 अप्रैल को थाना मधु विहार में शिकायतकर्ता सुनील कुमार अग्रवाल ने एक EFIR दर्ज करवाई कि तक्षशिला अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन से उनकी होंडा सिटी कार नंबर HR26AS5554 व सोने के गहने चोरी हो गए हैं। थाना मधु विहार में EFIR नंबर 010943 धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। दो दिन बाद यह मामला क्राइम ब्रांच शकरपुर को सौंप दिया गया। जिम्मेवारी मिलते ही क्राइम ब्रांच DCP रोहित मीणा ने क्राइम ब्रांच शकरपुर ACP अरविंद कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल परमजीत, नरेंद्र, प्रविंद्र, अशोक, नीरज व कांस्टेबल रिकू की एक टीम का गठन किया। टीम ने सबसे पहले तक्षशिला अपार्टमेंट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट उठाए। CCTV फुटेज में दो चोर गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। टीम ने क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डैम डाटा भी स्कैन किया, लेकिन एक भी सस्पेक्ट नंबर नहीं मिला। मुखबिरों को एक्टिव किया, लेकिन चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी ने हिम्मत नहीं हारी और टीम को क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल डेटा से स्कैन करने के आदेश दिए। क्रिमिनल डेटा से स्कैन करने पर मौके से मिले फिंगरप्रिंट दो ऑटो लिफ्टर इमरान उर्फ मीम व जावेद उर्फ शोएब से मैच कर गए। फिंगरप्रिंट मैच होते ही टीम को समझने में देरी नहीं लगी कि गाड़ी व गहने चोरी की वारदात को अंजाम इमरान और जावेद ने ही दिया होगा, क्योंकि इमरान और जावेद की लंबी क्राइम हिस्ट्री थी। इमरान और जावेद को दबोचने के लिए टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी इमरान और जावेद इतने शातिर थे कि पुलिस से बचने के लिए अपने पास मोबाइल नहीं रखते थे और हर थोड़े दिन बाद अपना ठिकाना भी बदल लेते थे। टीम ने दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों की मदद से टीम आरोपियों के ठिकाने तक तो पहुंच गई, लेकिन मौके पर आरोपी तो नहीं मिले, किंतु चोरी की कार खड़ी मिल गई। आरोपियों ने चोरी की गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट DL4CN1050 लगा रखी थी। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी चोरी की कार के साथ आरोपियों को भी दबोचना चाहते थे। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी को शक था कि अगर टीम अभी कार को कब्जे में लेती है तो आरोपी अलर्ट हो सकते हैं और उन्हें दबोचना और मुश्किल हो सकता है। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी को पूरा भरोसा था कि आरोपी चोरी की गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए एक न एक दिन तो जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी ने खड़ी गाड़ी में GPS ट्रैकर लगवाकर चारों तरफ मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी की चाल सफल रही। दिनांक 26 अप्रैल की दोपहर टीम को GPS ट्रैकर से अलर्ट मिला कि चोरी की गाड़ी CNG पंप जग प्रवेश चंद्र अस्पताल की ओर आ रही है। टीम ने तुरंत CNG पंप के पास जाल बिछाया। दोपहर करीब 2:30 CNG पंप पर नकली नंबर प्लेट DL4CN1050 लगाकर सस्पेक्ट कार आती नजर आई। कार के अंदर दो लोग मौजूद थे। टीम ने कार को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर कार में बैठे दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान उर्फ मीन पुत्र ईशा अहमद निवासी 175 सी ब्लॉक गली नंबर 2 जहांगीरपुरी दिल्ली और जावेद उर्फ शोएब पुत्र जमीर अहमद निवासी मोहल्ला करुल्ला डबल फाटक संभल रोड मुरादाबाद UP के रूप में हुई। गिरफ्तारी के समय कार से कुछ सोने के गहने भी बरामद किए गए, जो शिकायतकर्ता के घर से कार सहित चोरी हो गए थे। आरोपी इमरान उर्फ मीम का जन्म UP के बिजनौर में हुआ था। इसने 10वीं तक पढ़ाई की। यह मध्यम आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। इसने मजदूर के रूप में शुरुआत की, लेकिन यह अपनी कमाई से असंतुष्ट था। यह समाज के बुरे तत्वों के संपर्क में आ गया और ऑटो चोरी करने लगा। यह कई मामलों में संलिप्तता के चलते जेल में बंद था। जेल से बाहर आने के बाद यह ऑटो चोरी करने के लिए नया गिरोह बनाता था। आरोपी की लंबी क्राइम हिस्ट्री है, इसके खिलाफ एक दर्जन के आसपास FIR दर्ज है। दूसरे आरोपी जावेद उर्फ शोएब का जन्म UP के मुरादाबाद में हुआ था। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। इसने स्क्रैप डीलर के रूप में अपना काम शुरू किया था। शुरू में इसने चोरी का सामान खरीदा, लेकिन बाद में चोरी की कारों को कम कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया। यह कई मामलों में संलिप्तता के चलते जेल में बंद था। जेल से बाहर आने के बाद यह भी ऑटो चोरी करने के लिए नया गिरोह बनाता था।
इसके खिलाफ भी आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।